मैं श्रीराम कोचिंग सीकर से आज हम सुमन के साथ हैं। सुमन पिताजी का नाम हनुमान सिंह कुलहरी, अभी अभी हाल फिलहाल LDC 2018 में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सुमन, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, आपने अपनी पढ़ाई या अपने सिलेक्शन का कह सकते हैं श्रेय किसे देना चाहिए आप? मैं मेरे सिलेक्शन का श्रेय मेरे माता पिता को, श्रीराम परिवार को और साथ ही 3 मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं स्पेशली उनको देना चाहती हूँ। सुमन, इस पढ़ाई के, इस सिलेक्शन के दौर में मतलब आप अपना टाइम टेबल क्या रखते थे? क्या, कब उठना, कब पीना, खाना, सोना, पढ़ना, कितनी देर आप पढ़ते थे? देखो, मेरा मानना ये है कि सिलेक्शन पाने के लिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी नहीं है। मैं लेट उठती, मतलब 6:30 बजे के लगभग, फिर 8 बजे से मेरी क्लास रहती तो मैं सुबह घर पर आधे घंटे काम भी करवाती, फिर तैयार होकर 8 बजे तक कोचिंग पहुँचाती, फिर वहाँ पर रेगुलर क्लास लेती 1 बजे तक, उसके बाद लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करती, उसके बाद वापस एक्स्ट्रा क्लासेस लेती। तो सुमन, आपने जैसे कहा कि सुबह उठना, बिल्कुल बहुत से लोगों में मेंटालिटी होती है कि सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, तो आप ये कहते हैं कि 6 बजे उठकर भी मेरी पढ़ाई और काम और पढ़ाई और कोचिंग तीनों चीज़ें हो जाती है? हाँ, हो जाती, मैं कभी जल्दी नहीं उठी, कभी जल्दी नहीं उठे। तो पूनम, इसमें आपकी जैसे कि सिलेक्शन में कोचिंग की कैसे सहायता, क्या योगदान रहा? हाँ, कोचिंग के रेगुलर क्लासेस और डेली टेस्ट सीरीज मिलना, वीकली टेस्ट की रेगुलरता और मतलब उस टेस्ट का रिजल्ट पापा के पास जाना, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि पापा का डर रहता, वो रोज़ फ़ोन करके पूछते कि क्या रहा रिजल्ट, ये रैंक डाउन क्यों आई। बिल्कुल, तो हमने लगभग सारे टेस्ट दिए? हाँ, सारे टेस्ट दिए मैंने, एक भी मिस नहीं किया, अपनी क्लासेस भी रेगुलर रखी। DTS ने किस तरह आपकी मदद की? DTS कैसे सपोर्ट में था? मतलब DTS मुझे ना 50 क्वेश्चन तो कॉमन मिलते, उनको रोज़ तैयार करती, क्योंकि वो डर रहता था कि दूसरे दिन क्लास में पूछे जाएंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के भी सेपरेट नोट्स मिलते थे, वो भी रोज़ तैयार करते मैं। आप रेगुलर अपनी क्लासेस में कंटिन्यू उन आपने पढ़ाई की? यस। अब इसमें आपने जैसे कि लाइब्रेरी का बताया, तो लाइब्रेरी में जैसे कि कोचिंग के अंदर ही अपनी लाइब्रेरी है, जो बेसिकली उन्हीं बच्चों की सुविधाओं के लिए है जो बाहर बच्चा ट्रेवल करके आता है या बाहर घर छोड़ के बैठा होता है, तो वो दिन में दोपहर में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए 2 से 3 घंटे आप उस वक्त लाइब्रेरी में बिताते थे। यस मैम। शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप रेगुलर रखते थे? हाँ, रेगुलर रखती, मैं शाम को 6 बजे क्लास छोड़ती। शाम को 6 बजे, मतलब ये सुबह 8 बजे हमारे पास आते थे, शाम को 6 बजे, लगभग 10 घंटा ये बच्ची हमारे पास निरंतर बनी थी। तो इसमें आपको DTS है, नोट्स हैं, शीट्स हैं, आपने कभी अपने जैसे कि ऑनलाइन भी कभी कोई सुविधा ली, जैसे कि अपने जैसे YouTube चैनल है, स्टडी मटेरियल है? हाँ, मुझे लगता कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तो वो मैं वाईफाई श्रीराम पर जाके उसको घर पे पढ़ती थी, घर पे पढ़ते थे। यस। अब मुझे सुमन ये बताइए कि आपका जो सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा राज जो था वो क्या रहा? राज रेगुलर स्टडी है, मैं रोज़ मतलब घर पर तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये था कि 2 घंटे घर पर पढ़ना ही है, तो वो रोज़ पढ़ी मैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हर बच्चा हमारा भी सेलेक्ट हो सके? मेरा उनको यही कहना है कि जितना पढ़ो रेगुलर पढ़ो और लक्ष्य निर्धारित करो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो कि उसको पाना ही है। और मतलब मैं ऐसा कुछ बोलूं कि जो टॉपिक वीक है ना उसको ज़्यादा ध्यान दो, जो आ रहा है उसको बस रेगुलरली मतलब रिविज़न करते रहो। देखिए देखिए, सुमन का साफ कहना है कि हर इंसान की स्ट्रॉन्ग और वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। हो सकता है सुमन की मैथ बहुत अच्छी रही हो पर GK वीक रहा हो, इसी तरह हर बच्चे के स्ट्रॉन्ग और वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। आपको अपना रास्ता खुद तय करना होता है, खुद बनाना होता है, बस हम आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपकी वीकनेसेस, कुछ बच्चों को मैथ कम पसंद होती है, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं मैथ नहीं करनी। देखो, कोशिश हर जगह करनी है हमें, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उसे टाइम दें पर कम दें, जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपके जो आपको आता होगा वो पॉइंट आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, उसे टाइम थोड़ा कम दें, और जो वीक पॉइंट है और जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको टाइम ज़्यादा दें। इसी के साथ में जय श्री राम। जय श्री राम। स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे FB पेज श्रीराम कॉम्पिटिशन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्लस आपको डिटेल्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ में जो करंट GK हैं वो भी आपको आपके फेसबुक से अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ में यूट्यूब पे एक चैनल है वाईफाई श्रीराम, जिसको आप जिसमें आपको विभिन्न विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन वीडियोज़ डाली गई, तो आप देख कर वहाँ से भी आप अपना स्टडी मटेरियल कवर कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।
नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम कोचिंग सीकर से। आज हम नरेंद्र सिंह से बात करेंगे जो अभी आपके LDC 2018 में सेलेक्ट हुए हैं। ये एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और इस सामान्य परिवार के यह पहले सदस्य होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं। तो नरेंद्र, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप अपने पढ़ाई या अपने जो सिलेक्शन है उसका जो श्रेय या योगदान किसे देना चाहेंगे? आइए मिलते हैं नरेंद्र से। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल सिंह है, मैं नाथावतपुरा सीकर का रहने वाला हूँ। मेरा अभी हाल ही में LDC 2018 में सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने सिलेक्शन का श्रेय अपने माता पिता, जिनका निरंतर योगदान मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, और उसके साथ साथ श्रीराम कोचिंग में आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि पढ़ाई किस तरह से करनी है, क्या करनी है। इसलिए मेरे सिलेक्शन का सबसे बड़ा योगदान श्रीराम कोचिंग का है। तो नरेंद्र, आपकी इस पढ़ाई के दौरान आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या बाधाएं आई और उन बाधाओं को कैसे दूर किया, जानते हैं? मेरी पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा तो मुसीबत यह रही थी कि फाइनेंशियली हमारा परिवार इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो मुझे और आगे पढ़ा सके। इसलिए मैंने 12th करते ही पार्ट टाइम जॉब भी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन भी चालू रही और उसके साथ साथ मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए सेल्फ स्टडीज करके, लेकिन उनमें मैं कुछ नंबरों से रह गया था। फिर मैंने अभी 2018 जो LDC वैकेंसी आई है इसमें फुल टाइम अपने काम को छोड़ के 4 महीने कोचिंग को दिए, और उसमें मेरे ये भी रहता था कि मैं इकलौता घर में कमाने वाला हूँ, 4 या 5 महीने मैं घर वालों को पैसा नहीं दे पाया था। हाँ, हालांकि मैंने अपनी सेविंग्स में से ही, घर वालों से मैंने कुछ लिया भी नहीं, अपनी सेविंग्स में से ही मैंने कोचिंग की और मेरा सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल नरेंद्र, आपके परिवार ने जब आप तैयारी कर रहे थे उस वक्त आर्थिक संकट तो उनके सामने होगा ही होगा। बिल्कुल। तो नरेंद्र, अब मुझे बताइए कि आपके जो कोचिंग की पढ़ाई का जो शेड्यूल था, टाइम टेबल था, वो क्या रहता था? आप कब पढ़ते, कब सोते थे, कितने घंटा आप रेगुलर पढ़ाई करते थे? मेरी कोचिंग का टाइम टेबल था 7 बजे से 1 बजे तक कोचिंग क्लासेज रहती थी। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, 7 बजे कोचिंग पहुंच जाता था, उसके बाद में 1 बजे तक रेगुलर क्लासेज रहती, उसके बाद में मैं लाइब्रेरी में रहता था। लाइब्रेरी में जो कोचिंग में जो क्लास में जो पढ़ाया वो वापस रिवाइज करता था उसको, उसके बाद में 4 बजे बाद में मेरी एक्स्ट्रा क्लासेज हो जाती थी, 4 से 7 तक एक्स्ट्रा क्लासेज होती थी, 7 बजे फिर बाद में वापस घर जाता था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा नरेंद्र लगभग मॉर्निंग में 7 बजे हमारे पास पहुंचते थे और इवनिंग में 7 बजे वो जाते थे। 12 घंटे वो इस कोचिंग के प्रांगण में ही रहते थे, सुबह से लेके शाम तक। 12 घंटे आप मायने रखते हैं, कोई इंसान 12 घंटे कहीं एक जगह बैठता भी नहीं है। और हमारे यहाँ नरेंद्र क्लासेस भी लेते दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेज लेते, इवनिंग में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज, मॉर्निंग में आपकी रूटीन की बैच की क्लासेज। उसी के साथ में यह लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते, जो ओवन हमारा जो कैंपस है श्रीराम का, उसी के अंदर बच्चों की सुविधाओं के लिए बच्चों की सुविधा के लिए ही बनाई गई हैं। तो नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोचिंग ने आपकी और किस प्रकार सहायता की जिससे आपको सिलेक्शन में, जो आप पहले 1-2 नंबर से चूक जाते थे, उन वो नंबरों को कोचिंग ने कैसे उसको कवर करने की कोशिश की? मेरे सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान है श्रीराम के जो DTS है, जो डेली नोट्स मिलते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज है, कभी टेस्ट सीरीज में नहीं बैठ पाए तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, उसके जरिए भी हम टेस्ट दे सकते हैं। बाकी इनके जो डेली के 50 क्वेश्चन कंबाइंड मिलते हैं और बाकी हर सब्जेक्ट वाइज अलग डिटेल्स मिलते हैं, जिनमें 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, वो डेली के डेली अपना क्वेश्चन जो मिले वो डेली के डेली तैयार कर लो, और वो तैयार तब तक करो चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, जब तक वो पूरे तैयार नहीं होते मैं बैठता नहीं था, बिल्कुल उनको तैयार करके ही मैं रहता था। और उसके अलावा जैसे 150 क्वेश्चन मेरे हर संडे टेस्ट में आते थे, 10 महीने टेस्ट दिए तो मेरे वो 1500 क्वेश्चन तैयार हो गए, और उन 1500 क्वेश्चन का मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। तो नरेंद्र, आपने जैसे कि बताया कि रेगुलर टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कभी मिस हो जाता तो आप ऑनलाइन भी जाकर दे सकते थे, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो नरेंद्र, अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने जो साथी हैं उन्हें सिलेक्शन के नज़दीक कैसे लेकर आएंगे, या फिर उनके सिलेक्शन में आपके सिलेक्शन का क्या सबसे बड़ा राज रहा? मैं अपने साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले भी बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स दिए हैं, उनमें मैं कभी 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह जाता था, वहाँ मैं सेल्फ स्टडी करता था तो मुझे पता नहीं होता था मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं तो बस एक तरह से रटा मार सा हो जाता था, सब कुछ जो है गाइड लिया है उसको पढ़ लिया रट लिया, बस ये होता था। कोचिंग में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि क्या पढ़ना है मुझे, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो नहीं आते हैं तो उसको छोड़ के जो अपने को अपनी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना चाहिए। नरेंद्र ने जैसे कहा कि वो सेल्फ स्टडी से 2 से 3 नंबर से हमेशा चूक जाते थे, उन्होंने पहले भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह पहले फाइट की हैं,
बिल्कुल जैसे नरेंद्र ने कहा कि एग्ज़ाम्स वगैरह फाइट करता था, चूक जाता था, रटता था, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, श्रीराम कोचिंग के अंदर सबसे पहला काम यही किया जाता है, जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो क्लास में जो बच्चों को पढ़ाया है एक घंटे में, वो उसे उसी एक घंटे में याद भी करवाए और नेक्स्ट डे टीचर उसको रिवाइज भी करता है। इसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो घर जाकर उसको रिवाइज करे और तब तक रिवाइज करे जब तक उसको याद नहीं होता। स्टूडेंट्स में हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि मैम हम दो क्वेश्चंस में, मतलब दो ऑप्शंस में अटक जाते हैं, चार हैं, चार में से दो का हमें पता है कि नहीं है पर दो में अटक जाते हैं। दो में इसलिए अटकते हो क्योंकि आपके रिविज़न में कमी है। आप जब एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही पॉइंट, एक ही सब्जेक्ट के लिए 5-5 किताबें लेते हैं। मेरा उनसे कहना है कि आप एक ही ऑथेंटिक किताब लें और उसे 5 बार पढ़ें। एक किताब को 5 बार पढ़ें, 5 किताब को एक एक बार न पढ़ें। आपको खुद को पता चलेगा रिवीजन की क्या पावर होती है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज श्रीराम कॉम्पिटिशन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक कर सकते हैं, जिस पर आपको डेली शीट्स, जीके नोट्स, करंट जीके सब सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड होगी। इसी के साथ में यूट्यूब चैनल है वाईफाई श्रीराम, जिस पर आपके यहाँ विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वाइज आपके वीडियोस डले हुए जो आप देख सकते हैं। जय श्रीराम। दोनों बच्चों ने बहुत एलडीसी में अच्छी रैंक के साथ अपनी सफलता अर्जित की है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ श्रीराम कोचिंग की ओर से, सारे विद्यार्थियों की ओर से। बाकी विद्यार्थी भी इनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने आप को इस रूप में तैयार करें कि घर जाकर कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ें और अपनी क्लासेज में बहुत ध्यान से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित जल्द से जल्द करें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट लगन, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। इंतजार के
यदि अंधकार से लड़ने का संघर्ष कोई कर देता है तो एक अंधकार जीवन की समस्त बाधा देता है। सबसे पहले मैं सुभाष जी का, उनकी पूरी स्थितियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपको भी यही आवश्यकता है, मेहनत, विश्वास नहीं होते थे, चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे मित्र हो, साथी हो, उसका विश्वास नहीं टूटने दें। मेहनत करें, लगन के साथ में करें, एकाग्र चित्त होकर के एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो उस लक्ष्य से आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय माननीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान पत्रिका के श्रीमान विनोद जी चौहान साहब, और ये आपकी श्रीराम कोचिंग का अहोभाग्य सौभाग्य है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा, आपके संस्थान में अभी आरएस के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, रेट के लेवल फर्स्ट सेकेंड के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पटवार भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, और मंत्री महोदय पूरा लगभग राजस्थान का विद्यार्थी आपके यहाँ पर है, और दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि आपके पास कुछ दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी हैं, और ये विद्यार्थी आसपास में जब फोटो देख रहे हैं आप दीवारों पर, जब इनकी मंजिल इनको मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम लगभग सारी वही टीम है जो जिस एग्जाम की क्लासेस वो ले रहे हैं उस एग्जाम के नजदीक एकदम नजदीक तक जाकर आए हुए, क्योंकि बिना योग्य टीम के कोई भी उस मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। और अब मैं कहना चाहूंगा कि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, काफी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट और आ रहे हैं, और काफी मेरे साथी यहाँ पर अपने कार्य को बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं, आप एक एक की शक्ल आप देख सकते हैं, ये सब आपके शिक्षा के नुमाइंदे हैं, और अपने आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और इसमें हमारी टीम श्रीराम टीम पूरी अपने तन मन धन से समर्पित है, प्रबल रूप से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं राजस्थान पत्रिका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करने का हमें मौका दिया, और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें हमारे विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन दिया, जो चुनिंदा टिप्स दी है हम उन टिप्स का अनुरोध पालन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
का ये तो बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां बजाओ इसके लिए। पानी में डाल जबरदस्त उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा लिया, उसने पूरा जोर लगा लिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरु जी आपने क्या किया, मैं तो क्या किया और आपको उल्टा बेहद मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल नाश में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उसको तोड़ी थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग वो अफर्ट वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सब के भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपके विजय के।